धार जिले में एक बार फिर किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जी हां, सरदारपुर तहसील के ग्राम दसई में किसानों के साथ फिर एक बार करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसके चलते आज कई किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कृषि उपज मंडी की राजगढ़ की उपमंडी में न्यू पूजा ट्रेडर्स के नाम से व्यापार करने वाले राजेश रमनलाल जैन द्वारा कृषि उपज उपमंडी में प्रतिदिन खरीदी करने के साथ साथ किसानों के घरों से भी सोयाबीन, गेहूं के साथ साथ डालर चने, देसी चने के अलावा कई उपज खरीदार खरीद कर फरार हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस चौकी पर जिला अधीक्षक पुलिस विभाग के नाम से किसानों ने ज्ञापन दिया, जिसका वाचन मुकेश पटेल द्वारा किया गया। ज्ञापन के समय दसई के साथ साथ कई छोटे छोटे गांव के किसान भी मौजूद रहे। ज्ञापन में व्यापारी द्वारा करोड़ों रुपए की चपत देकर फरार होने पर पुलिस चौकी दसई पर सैकड़ों किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विभाग सरदारपुर को ज्ञापन दिया है, जिसके व्यापारी द्वारा लगभग 5 से 10 करोड़ की लागत का अनाज लेकर फरार हो जाना बताया गया है। वही व्यापारी द्वारा कृषि उपज उपमंडी में खरीदी के बिल भी किसानों के पास है, जिसका भुगतान नहीं होना भी बताया गया है। व्यापारी जैन द्वारा अनाज की खरीदी के बदले कई किसानों को चेक भी दिए गए, मगर बैंक में पैसा नहीं होने पर वो बाउंस हो गए। वही समय पर पैसा नहीं मिलने कारण किसान काफी परेशान हो रहे हैं। मामला है राजेश पिता रमनलाल जैन, जो पूजा ट्रेडर्स के नाम से राजगढ़ मंडी में काम करता था, उप मंडी दसई में खरीदी कर रहा था। ये दसई में मंडी का प्लस मंडी से बाहर कुछ माल खरीद कर कम से कम 1.5 करोड़ का माल लेके परिवार सहित रात को फरार हो गया, जिससे किसानों में आत्महत्या करने के कगार पे सबके 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक के किसानों के पैसे हैं। राजेश जैन करके एक व्यापारी था, इन्होंने किसानों से माल खरीद रखा था और सब किसानों को चपत देकर भाग गया। किसी किसान का 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी है कुछ लोगों का बकाया। आपका कितना है? मेरा 3 लाख रुपए। आपने माल कहाँ बेचा था? मैंने माल मंडी में बेचा था। अभी तो पुलिस चौकी विज्ञापन दिया और न्यू पूजा ट्रेडर्स कंपनी जो राजा रमन था, उनने गांव में खरीदा, मंडी में खरीदा माल किसानों का लेके पैसे फरार हो गया। तो आज आपने क्या ज्ञापन दिया? हाँ, पुलिस चौकी ज्ञापन दिया। आपने आपका जो पैसा लेके फरार हुआ, आपने मंडी में इसकी कोई शिकायत की है? मंडी में शिकायत की है जरूर, मगर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मंडी में किस किस लोगों से आपने इस बारे में जानकारी दी? जो यहाँ के मंडी में अधिकारी जो अभी फिलहाल रहते हैं उनको दिया था, खाली शिकायत दी थी उनको। आगे आपका क्या कदम रहेगा? हम अभी जाएंगे मंडी राजगढ़ उप मंडी राजगढ़ जाएंगे, फिर मंडी नहीं सुनेगी कलेक्टर के पास जाएंगे। कितने लोगों का पैसा होगा करीब? ये 100-150 किसानों का माल के पैसा लेके भगाए हुए। कितनी राशि होगी लगभग? ये इसमें होगी 7 से 8 लाख रुपए, करोड़ 8 से 10 करोड़ रुपए। दसई के किसान लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है, जिसमें दसई में दसई के निवासी न्यू पूजा ट्रेडर्स के मालिक राजेश जैन के द्वारा किसानों को भुगतान नहीं किया गया और अपने परिवार सहित यहाँ से भी चले गए हैं, उस संबंध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन हमने ले लिया है, उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर, ज्ञापन जो मिला है उसमें दोषी के खिलाफ क्या किस तरह से एक्शन लिया? जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। ज्ञापन अभी हाल ही दिया गया है, तो उसके बारे में सभी किसान जितने भी हैं उनकी सूची प्राप्त करके किसका कितना पैसा है, किस तरीके से दिया था, किसी को चेक दिए हैं, क्या दिए हैं, वो सारी जाँच करने के बाद जो भी वैधानिक